नागिन 3 में बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा होने वाला है। खुलासा शो के असली नागराज से जुड़ा है। जी हाँ, अब तक तो आप और हम ये जान रहे हैं कि विक्रांत नागराज है, और अब अपने उसी नागराज की मौत का बदला लेने के लिए बेला विश के साथ मिलकर नए नए परपंच रच रही हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द शो के इस मोस्ट अवेटेड सस्पेंस से भी पर्दा उठने वाला है कि आखिर बेला का असली नागराज कौन है, विक्रांत या फिर माहिर। तो चलिए, कौन है बेला का सच्चा वाला नागराज और इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी है, हम आपको बताते हैं। दरअसल शो के रीसेंट एपिसोड में हम ये देख चुके हैं कि बेला याद करती है कि किस तरह माहिर ने उसके प्यार को छीन लिया। अब वो ये समझ नहीं पा रही कि माहिर अच्छा इंसान है या फिर बुरा। इसके बाद बेला भगवान शिव की शरण में जाती है और उनसे अपनी इस उलझन से निकलने में मदद की गुहार लगाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अनु को मैसेज करता है कि वो बेला का नागिन रूप तस्वीर में कैद कर ले। अब इसके बाद आगे की कहानी दिखाई जाएगी। सूत्रों की माने तो शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि माहिर पर बेला फाइनली डेडली अटैक करेगी और उसे अपने जहर से मार देगी। लेकिन उस वक्त बेला के पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब माहिर को मारने के बाद वो वापस जिंदा हो जाएगा। अब बेला काफी हैरान होगी क्योंकि उसे अघोरी बाबा ने ये कहा था कि उसके जहर से सिर्फ और सिर्फ उसका सच्चा साथी ही बच सकता है। तो क्या माहिर ही बेला का सच्चा वाला प्यार है? अब ऐसे में एक और बड़ा सवाल है, वो ये कि क्या माहिर ही नागराज है और उसने किसी खास मोटिव के लिए अपनी असली पहचान बेला से छुपा कर रखी है। तो देखते हैं कि इसके बाद बेला का अगला कदम क्या होगा। देखने वाली बात ये भी होगी कि विक्रांत और विश का आखिर क्या कनेक्शन होगा।